तो दोस्तों मैथमेटिशियन रामानुजन को उनके सपने में माता जी दिखती थी, जो उनको सपनों में आके मैथमेटिकल इक्वेशंस बताती थी। धीरेन्द्र शास्त्री को हनुमान जी दिखते हैं, जो उन्हें लोगों के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस बताते हैं। तो क्या ये सब पॉसिबल है? क्या हम इसे साइकोलॉजिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और इस वीडियो के अंत तक हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसे साइकोलॉजिकली और लॉजिकली एक्सप्लेन करें। तो आप बने रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि इस वीडियो की एक गारंटी तो है कि इस वीडियो से बेहतर वीडियो इस टॉपिक पे आपको कहीं नहीं मिलेगी। 20 साल का एक लड़का पिछले कुछ दिनों में हिंदू धर्म का नया ध्वजवाहक बनने की कोशिश कर रहा है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को कई जगहों पर सनातन के नए सुपरस्टार के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके पास ऐसी शक्तियां हैं जो किसी की समझ से परे हैं। लोग प्रेत बाधा दूर करवाने के लिए उनके दरबार में आते हैं। ये आध्यात्मिक शक्तियां हैं जिनसे वो किसी को भी ठीक कर सकते हैं। कैंसर समेत तमाम बीमारियों का इलाज होता है, लेकिन वो डॉक्टर नहीं। ये है धीरेन्द्र शास्त्री, जिनको लोगों के प्रॉब्लम्स अपने आप पता चल जाते हैं, लोगों की मन की बात अपने आप पता चल जाती है, जो लोगों के अंदर से भूत और जिन को बाहर निकाल देते हैं अपने मंत्रों के जरिए। मैं इस बारे में बात करने वाला कौन? मैं सरजीत सोनी, डेली लाइफ विवेकानंद और दर्शन जैसी किताबों का लेखक, टेड एक्स स्पीकर। चलिए इस बारे में बात करते हैं। इस एनालिसिस को एक थॉट के साथ शुरू करते हैं। वो थॉट है कि एक थिंकर को कभी भी पॉजिटिविटी, ह्यूमन वेलफेयर या फिर किसी भी एक संप्रदाय के भले के लिए नहीं, पर ट्रुथ के लिए सोचना चाहिए। और इसी ट्रुथ के पीछे हम इस पूरी वीडियो में भागने की कोशिश करेंगे। तो धीरेन्द्र शास्त्री या फिर बागेश्वर धाम वाले बाबा को देखने के दो पर्सपेक्टिव हैं। एक कि ये इनोसेंट जीनियस है, जैसे रामानुजन भी थे। आइए इसे एक बार साइकोलॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं। रामानुजन के हिसाब से उनके ड्रीम्स में माता जी आके उन्हें इक्वेशंस बताती थी। इवन हॉकिंस वही एक साइंटिस्ट एग्जिस्ट करते हैं जो एक नंबर के एथिस्ट थे, जिनका मानना था कि भगवान वगैरह कुछ नहीं होते। तो दोनों के दिमाग इतने तेज और दोनों का काम भी इतना तेज, पर दोनों की आइडियोलॉजी अलग, और इसी की वजह से इनके दिमाग में, इनके थॉट्स में इतने चेंज आए। जब आज से बहुत साल पहले सिगमंड फ्रॉयड और अनकॉन्शियस माइंड एग्जिस्ट नहीं करते थे, उसके पहले जब कोई भी लोग पागलों की तरह एबनॉर्मली बिहेव करते थे तो लोगों को लगता था कि इनको भूत या जिन आ गए, या फिर कोई सुपरनेचुरल पावर इनके ऊपर कंट्रोल बना के बैठी है। पर जैसे ही अनकॉन्शियस माइंड की खोज हुई, साइंस ने बताया कि कोई भी जब अजीब तरीके से बिहेव करता है तो उसके अनकॉन्शियस माइंड में इमोशनल डिस्टर्बेंस चल रहा होता है, जिसकी वजह से वो ऐसा करता है, और उसे ट्रीट किया जा सकता है, उसे साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के द्वारा ठीक किया जा सकता है। अब जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो हमने इस एबनॉर्मल बिहेवियर को इंटरप्रिटेट किया ऐसे कि ये भूत है, जिन है, क्योंकि हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी। वैसे ही ये जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो इनके अंदर जीनियसनेस आ जाती है लोगों के अंदर, और इनके पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो ये अपने आप को एक्सप्लेन करते हैं कि ये कैसे हो रहा है। और रामानुजन ने अपने आप को एक्सप्लेन किया कि ये माता जी करा रही हैं, क्योंकि वो बचपन से माता जी की शायद पूजा करते होंगे। और धीरेन्द्र शास्त्री जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जैसे उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया है, तो उन्होंने अपने आप को एक्सप्लेन किया कि ये मुझे हनुमान जी करा रहे हैं। पर हो सकता है कि ये इनके अंदर की जीनियसनेस है जो जेनेटिक या फिर डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के चलते आई है। पर इनकी की गई बहुत सारी चीज़ जैसे चुटकी बजा के लोगों को हवा में उछाल देना और लोगों का पागल हो जाना इनके सामने, लोगों के प्रॉब्लम्स जान लेना, तो हम इस चीज़ से एक्सप्लेन कर सकते हैं, पर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना, ये हम इससे कैसे एक्सप्लेन करें? तो यहीं से दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आता है। और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये बाबा लोगों को बाकी बाबाओं की तरह, जो बहुत सारे अभी तक समाज में एग्जिस्ट किए हैं, जो धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे, ये उन्हीं में से एक है। दूसरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये सारी बातें जानते हैं कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है, मैं किन्हीं ट्रिक्स का यूज़ कर रहा हूँ, जैसे दूसरे माइंड रीडर्स ट्रिक्स का यूज़ करके लोगों के दिमाग की बातें जानते हैं, बस ये उस चीज़ में बहुत ज़्यादा माहिर हैं और ये बहुत सही तरीके से करते हैं। गजब गजब के डिटेक्टिव्स यहाँ पे इंडिया में एग्जिस्ट किए हैं, जो लोगों की किस ट्रेन की किस नंबर की टिकट थी ये तक बता देते थे उनके पास जाने में। तो ये तो बस यही बता रहे हैं कि इनका नाम क्या है, ये क्या है, वो क्या है, और वो भी तुरंत। हो सकता है इनका कोई बड़ा नेटवर्क हो या डैश चीज़ें हो, देखिए अनएक्सप्लेनेबल चीज़ है, बताई नहीं जा सकती, ये तो सीक्रेट होगा जो उन्हीं को पता होगा, अगर ऐसा है तो। पहला वाला पर्सपेक्टिव भी हो सकता है। मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ पुश नहीं कर रहा हूँ, बस आपको दो पर्सपेक्टिव ठीक तरीके से समझने में मदद कर रहा हूँ। अब जैसे ये पेन है, ये मैंने हाथ लगाया और ये गायब हो गया और ये वापस आ गया। मैंने भी कभी मैजिक सीखा था, देखिए ये तो छोटा सा जादू था, अमेरिका गॉट टैलेंट, ब्रिटेन गॉट टैलेंट और
इंडिया गॉट टैलेंट में भी इतने बड़े बड़े जादू एग्जिस्ट करते हैं। दुबई फेस्ट होता है, वहां पे जाओ, ऐसे जादू एग्जिस्ट करते हैं, लोगों की बॉडी काट दी बीच, इतने बड़े बड़े जादू। तो ये भी एक तरीके का जादू हो सकता है, देखिए सिर्फ हो सकता है। हाँ, मेरे पेन की बात तो मैंने ऐसे पीछे कर लिया था, वो कोई जादू नहीं था, वो नॉर्मल की चीज़ थी। यहाँ से वीडियो का सेकेंड फेज शुरू होता है। इंडिविजुअल लेवल पे हमने बाबा के बारे में बात कर ली कि क्या क्या हो सकता है, अब हम बात करते हैं सोशल लेवल पे। देखिए, ये बाबा चाहे ये जाने में कर रहे हो या अनजाने में, पर सोशली ये चीज़ें बहुत गलत इम्पैक्ट्स क्रिएट कर रही हैं। शॉर्ट टर्म में हमें ये इम्पैक्ट हो सकता है ना देखने मिले, पर लॉन्ग टर्म में ये इम्पैक्ट ज़रूर देखने मिलेंगे, जिसमें से पहली चीज़ है अंधविश्वास। देखिए, साइंस और साइंटिफिक चीज़ों का देश में होना बहुत ज़रूरी है। जब देश की युवा पीढ़ी ऐसी चीज़ों के सामने एक्सपोज होगी, छोटे छोटे बच्चों को ये लगेगा कि जादू, भूत, ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती है, तो उनकी रैशनल थिंकिंग पे प्रॉब्लम आएगी और आगे चल के हमारी सोसाइटी की डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए लोगों का रैशनल होना बहुत ज़रूरी है, लोगों का हर एक फालतू की बेतुकी चीज़ पर सवाल खड़ा करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, धार्मिक लोगों को भड़काना। देखिए, धर्म को लेके भारत में कितने झगड़े विवाद लगातार होते रहते हैं। अगर अब इन्हें हमें ख़त्म करना है, तो हमें इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए अपनी कट्टरता को ख़त्म करना पड़ेगा। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि हम और कट्टर हो रहे हैं। लोग रास्ते पे चिल्ला रहे हैं कि सनातन की विजय हो, सनातन की विजय हो। देखिए, ये हिंदुस्तान है, सनातन की बात करने में कोई बुरी बात नहीं है, पर विजय हो, अविजय हो, ये क्या है? सनातन एक धर्म है, इतनी बड़ी फिलॉसफी है, हजारों करोड़ों मिलियंस बिलियंस लोग बिलीव करते हैं इसके ऊपर, मैं भी करता हूँ, प्रॉब्लम क्या है? इस पर विजय और अविजय की क्या बात है? तीसरा, वोट बैंक। देखिए, हमें पता है कि हमारे इधर पे जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो लोगों को वोट बैंक की तरह यूज़ करती हैं। एक धर्म के लोग उनके लिए अलग तरीके के वोट बैंक होते हैं और एक धर्म के अलग तरीके के, हर मुद्दा उनके लिए एक वोट बैंक होता है। ये बाबा की इतनी बड़ी फॉलोइंग भी उनके लिए एक वोट बैंक ही है। हम देखते हैं कि नेता इनके पास आ रहे हैं, चरण स्पर्श कर रहे हैं, वो नेता मुझे पूरा यकीन है रैशनल है, उनको पूरा पता है फिलोसफिकली, आइडियोलॉजिकली, साइंटिफिकली, साइकोलॉजिकली ये चीज़ें पॉसिबल नहीं, पर ज़बरदस्ती वो वहाँ पे जा, क्यों? वोट बैंक के लिए, ऑफ कोर्स। अब हम देखते हैं कि लोग इन्हें सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। पहले लोग जो इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं वो हमारे समाज का एक कमज़ोर तबका है, जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम है, पैसे नहीं है, दिक्कत है, और उन्हें एक मसीहा चाहिए जो उनकी ज़िंदगी को बदल के रख दे, कुछ जादू कर दे, चमत्कार कर दे। वो उस चमत्कार के पीछे भाग रहे हैं और उसी चमत्कार के पीछे भागने के बाद उन्हें ये बाबा मसीहा की तरह दिखता है। दूसरा जो तबका सपोर्ट कर रहा है सोसाइटी का, वो कट्टर सनातन वाला तबका है, जो चाहता है कि सनातन की विजय हो। पर पहले तबके को तो मैं साफ साफ बोलना चाहूंगा, बंद करो, गुजारिश है, बंद करो हाथ जोड़ के। मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। दूसरे तबके को मैं बोलना चाहूंगा कि सनातन एक बहुत बड़ी आइडियोलॉजी है, बहुत बड़ी फिलॉसफी है। विवेकानंद जैसे महान सन्यासी, महान सनातनी हमारे देश में एग्जिस्ट किए हैं, जिनको मैंने खुद अपने राते लगा के पढ़ी है। तो आप ये मत सोचिए कि इसकी हार होने से, या फिर ये बाबा अगर कल सुबह फ्रॉड साबित हो जाता है, तो सनातन को कोई ठेस पहुंचेगी। नहीं, सैकड़ों बाबा आए हैं, सैकड़ों फ्रॉड सिद्ध हुए हैं और सैकड़ों महान बने हैं, सनातन को आज तक कोई फर्क नहीं पड़ा और ना पड़ेगा। अगले 10,000 साल तक सनातन को कुछ नहीं होने वाला, सनातन वैसा का वैसा ही रहेगा। और सनातन एक बहुत बड़ी फिलॉसफी, बहुत बड़ी आइडियोलॉजी है। अंधविश्वास और सनातन का कोई लेना देना नहीं है। अंधविश्वास एक तरफ है, सनातन एक तरफ है, पूरा सनातन धर्म एक तरफ है और ये बाबा का अंधविश्वास फैलाने वाला मुद्दा एक तरफ है। ये देखने के बाद कि लोग सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, ये देखना भी जरूरी है कि लोग अपोज क्यों कर रहे हैं, इतना ज्यादा अपोजिशन क्यों है, क्या क्यों लोग इनके ऊपर लगातार हमारे जैसे वीडियोज बनाते जा रहे हैं। तो इसकी एकमात्र वजह है, पहली कि ये अंधविश्वास फैला रहे हैं, दूसरी जो इनके हिसाब से वजह है या इनके बहुत सारे फॉलोअर्स के हिसाब से वजह है, दूसरे धर्म के लोग इनको सप्रेस करना। तो देखिए, मैं साफ साफ बता दूं कि अगर कोई क्रिश्चियन, अगर कोई मौलाना, अगर कोई भी धर्म का जो तीसरा चौथा, जैनिज्म, बुद्धिज़्म या फिर बाहर यहूदी, कोई भी धर्म एग्जिस्ट करता है, वहाँ का व्यक्ति, किसी भी धर्म का व्यक्ति कोई भी ऐसे तरीके का काम कर रहा है जो समाज को गलत तरीके से इफ़ेक्ट कर रहा है, तो उसका अपोजिशन करना बनता है। देखिए, बहुत बार लोग कह रहे हैं लगातार कि अलग अलग धर्म के लोग इस धर्म को दबाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, इसका अविश्वास कर रहे हैं। पर देखिए, ये रहे भगत सिंह, भगत सिंह की किताब वाई आई एम एन एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ, इसमें भगत सिंह हिंदुइज्म और मुस्लिमिज्म दोनों फिलॉसफी की रूढ़ीवादी चीज़ों को पूरी तरीके से अपोज करके अपने आप को नास्तिक बताते हैं। दूसरी तरफ ये फ्रेडरिक नीचे की किताब गॉड इज डेड, भगवान मर चुके, इसमें ये
क्रिश्चियनिटी को अपोज करते हैं, बाइबल 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 को अपोज करते हैं। तो ये जो पूरी चीज है, ये लॉजिकल और इलॉजिकलनेस के बीच का एक 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 मतभेद है, ना कि ये किसी धर्म के बीच का मतभेद है। देखिए, आपको ये बात समझना बहुत जरूरी। आइए भगत सिंह के थोड़े विचारों को जानते हैं। मैंने इन बाबा को भगत सिंह के बारे में बात करते सुनी, पर एक बार भगत सिंह की फिलॉसफी को भी देखना बहुत जरूरी है कि भगत सिंह कहते क्या थे। भगत सिंह कहते थे, जो भी व्यक्ति विकास के लिए खड़ा होना चाहता है, उसे हर एक रूढ़िवादी चीज की आलोचना करनी होगी, उस पर अविश्वास करना होगा तथा उसे चुनौती देनी होगी। आइए हम देखते हैं कि हरिशंकर परसाई जैसे कमाल के राइटर, भारतीय राइटर क्या कहते हैं। वो कहते हैं, चाहे कोई दार्शनिक बने, साधु बने या मौलाना बने, अगर वो लोगों को अंधेरे का डर दिखा रहा है तो वो अपनी कंपनी की टार्च बेचना चाहता है। और यहाँ पे सनातन के छोटे होने का डर साफ साफ लोगों को दिखाया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद जैसे सबसे बड़े सनातनी क्या कहते हैं इस बारे में, कहते हैं ज्योतिषी और ये सभी रहस्यमय चीजें आम तौर पर एक कमजोर दिमाग के संकेत है, इसलिए जैसे ही ये हमारे दिमाग पे हावी होने लगे, हमें एक चिकित्सक को दिखाना चाहिए, अच्छा भोजन लेना चाहिए और आराम करना चाहिए। देखिए, अब इतने सारे गलत चीज हैं और इतनी सारी सही चीज है, दोनों पे इतना कॉन्ट्रडिक्शन है कि अब कानून को ही तय करना पड़ेगा, पावर को ही तय करना पड़ेगा कि ये सत्य क्या है और झूठ क्या है। पर इसी बीच में एक अच्छी चीज़ भी है कि बाबा इन सब चीज़ों से पैसे इकट्ठे करके अपने ऐशो आराम के लिए यूज़ नहीं कर रहे, वो उन पैसों से कैंसर हॉस्पिटल वगैरह बनवाने की बात कर रहे हैं। मतलब एक सोशल वर्कर टाइप के आदमी है। पर समाज को एक गलत दिशा में ले जाकर फिर एक अच्छा काम करना, समाज को थोड़ा भ्रम में रखना या अनजाने में भ्रम में रखना, जाने में भ्रम में रखना और उससे पैसे कमा के समाज का ही वेलफेयर करना, बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ है। और मुझे नहीं पता कि ये सही, आप बताइए कमेंट सेक्शन में। तो इस बाबा के करंट और पास्ट के बारे में तो हमने बात कर ली, आइए जानते हैं फ्यूचर क्या है। देखिए, ऐसा है कि दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये बाबा अगर इनोसेंट जीनियस है तो ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी धीरे धीरे करके। दूसरी चीज़ कि अगर ये बाबा लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं तो बाकी बाबाओं की तरह इनका भी हश्र होगा। तीसरी चीज़, अगर सिद्ध हो गया कि ये हनुमान जी से सच में बात करते, भूत सच में होते, तो आज तक में हमने जितनी भी साइंस पढ़ी, ये सब किताबें सब बकवास। एक अंत में कविता पढ़ के इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। फिर एक बार आज़ादी लाना है, इस बार गंदे भद्दे विचारों से हो जाओ आज़ाद, तुम सब बन जाओ सुकरात, हर एक चीज पे सवाल खड़ा कर दो, फिर सब कुछ को तर्कों से भर दो, इस बार भारत को, मेरे भारत को, बेबुनियादी ख्यालों से आज़ाद कर दो, भ्रम तोड़ दो, सब छोड़ दो, चिल्लाओ एक आखिरी बार, एक और बार, इनकलाब जिंदाबाद। देखिए, वीडियो का अंत है, दर्शन प्रोडक्शन के हर एक वीडियो को इसी तरीके से आपके सामने लाने की जिम्मेदारी हमारी, बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने की, लॉजिकल कॉमन सेंसिकल साइंटिफिक साइकोलॉजिकल कंटेंट प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी हमारी, और हमारे साथ बने रहने की जिम्मेदारी आपकी। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।